क्या व्यू है भाई, उधर देखो पूरा जयपुर भाई, इधर जल महल। गरम है। चलो एंट्री तो हो गई भाई, पुलिस वालों से भी बच गए। रात में क्या जानवरों का डर रहता है इधर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु गाइस, वेलकम टू द मेनी व्लॉग। तो आज के व्लॉग करते हैं फटाफट से स्टार्ट, और अभी हम लोग जा रहे हैं नारगढ़ और सनसेट देखने, ठीक है, और थोड़ी मस्ती वस्ती भी करेंगे, ठीक है, और चलते हैं और फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा बातें नहीं, हम मोटो व्लॉग के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, और रास्ते रास्ते में सब दिखाएंगे और अपनी हायाबूसा के साथ चलते हैं और हेलमेट पहन लेते हैं फटाफट से। और सबसे पहले हमारे को जाना है सोहेल को उठाना, उसके बाद निकलते हैं। तो भाई देख सकते हो सोहेल भाई के पास आ चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं। हेलमेट पहन लो और चलते हैं फिर, और स्टार्ट करते हैं अपनी गाड़ी को। ओ भाई गियर निकाल लो, चलते हैं, ठीक है। तुम्हारा रास्ता कितना बुरा है यार, है सोहेल, बनवा लो यार भाई। अरे 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 अरे, तो भाई अभी डलवा लेते हैं पहले पेट्रोल चल करके 149। गाइस पेट्रोल वेट्रोल भरा लिया है और अभी है ना सीधे निकलते हैं फटाफट से बिना रुके, और अभी इधर से घूम करके अपने को इधर जाना है जयपुर सेंटर से होते हुए जवाहर सर्किल के सामने वाले रोड से, ठीक है, और जवाहर सर्किल के सामने वाले रोड से सीधा सीधा निकलते हैं और फटाफट से पहुँचते हैं नारगढ़। अभी हम लोग है ना थोड़ी देर के लिए रुके हैं, पानी वानी पीते हैं, ठीक है, और यहाँ पर रुके हैं अल्बर्ट हॉल, और पानी वानी पीते हैं और फिर निकलते हैं क्योंकि प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है, गर्मी है यार बहुत है आज। तो भाई अभी देख सकते हो जलमहल पे आ गए और सुंदर सुंदर पहाड़ देखो भाई, और जलमहल तो क्रॉस कर ही लिया है और अब है ना सीधे फटाफट से पहुँचते हैं अपन नारगढ़ से। इधर से अपने को लेफ्ट जाना है और यही है ना नारगढ़, दोनों है। कौन सा भी और नारगढ़ भी, दोनों पड़ते हैं, पुलिस वाले थोड़ी ना पकड़ते हैं, वो खड़ा सामने, दूसरा भी रास्ता है क्या, पुलिस वाले पकड़ेगा हेलमेट है आपके, जाओ भाई। चलो एंट्री तो हो गई भाई, पुलिस वालों से भी पता तो लग रहा था यार, लाइसेंस नहीं है ना, देखो लाइसेंस की ये अब बनवाएंगे हम लोग, अभी तो अपने को गाड़ी मिली है, ठीक है, ज़्यादा दिन भी नहीं हुए और भाई लोग पैदल भी आ रहे हैं। क्या चीज़ दिख रही है इधर से भाई, बढ़िया, मज़ा अलग है, लेकिन पहाड़ों वाले लोगों का मज़ा अलग होता होगा यार, हाँ, जो पहाड़ों में रहते हैं भाई। पत्थर देख, पत्थर कैसे ही है, लग रहा मस्त यार। आज अपनी हायाबूसा को यहाँ पर भी ले आए हम, और मजा आ रहा, थोड़ी देर यहाँ मजे लेते हैं फिर चलते हैं ऊपर, ठीक है। भाई ये वन वे होता है तो थोड़ा ध्यान से है ना ड्राइविंग करने का होता है यहाँ पर, ठीक है, देख कर के और थोड़ा ध्यान से ड्राइविंग करो भाई, क्योंकि वन वे ही है, कार भी आती है इधर उधर से भाई, देखो सामने से गाड़ी आ रही है, अब जैसे थोड़ी स्लो कर लो भाई, ज़्यादा शेकिंग नहीं मारने का।
तो गाइस अभी रास्ते में रुके, ठीक है, तो देखा एक और व्यू पॉइंट है, दिखा दूँ आप लोगों को। और इधर से क्या ही व्यू आ रहा था भाई, खतरनाक व्यू है, देखो आप लोग एक बार दिखाता हूँ मैं। देखो ये देखो क्या व्यू है भाई, उधर देखो पूरा जयपुर भाई, इधर जल महल और सिनेमेटिक व्यू का मजा लो। तो भाई अभी देखो भुट्टा ले लिया मैंने, भुट्टा का चलो यार भुट्टा उट्टा खा लेते हैं और फिर ऊपर चलते हैं, ठीक है। और एक और व्यू पॉइंट है वहाँ से दिखाते हैं, असली मज़ा इसके साथ ही है, मज़ा तो व्यू के साथ ही है, खाओ वो तो यही व्यू यार। लेकिन यार मज़े भी आ रहे हैं यार, बरसात का मौसम भी हो गया, बादल देखो क्या हो गया यार, खतरनाक। देखो गरम भुट्टा उसके साथ मज़ा तो अलग है, देखो भुट्टा और व्यू। और अभी ऊपर चलते हैं, मैगी वेगी बनाने का प्लान था ना उन्होंने तो। हाँ ये बात तो सही की, चल जल्दी नहीं, चलो यार ऊपर चलते हैं। इधर तो यार व्यू पॉइंट देख लिया, अब एक और है ऊपर, उस पर चलते हैं सीधे, अब उस पर ही चलेंगे, अब कहीं नहीं रुकेंगे यार, अगर रुकने लायक होगा तो रुक के दिखाएंगे यार ज़रूर यार, ठीक है। तो चलते हैं यार। तो भाई अपन आ चुके हैं अब मेन पॉइंट पे, जो यहाँ पे सभी रुकते हैं ज़्यादा, अगर वैसे वहाँ पे नहीं रुक पाते क्योंकि कार वार खड़ी करने की जगह भी नहीं रहती। तो यहाँ पे देखो एक दो, ये देखो भीड़ देखो इधर, ये देखो, ये देखो सब बैठे हुए दोस्त लोग बड़े बड़े, ये इनकी कार है खड़ी भाई। इधर के पार्किंग भी सही मिल जाती है और उधर व्यू है शानदार वाला। चलो देखो सिनेमैटिक में दिखाता हूँ। तो भाई अभी देखो अपन है ना बनाने की सोच रहे हैं मैगी, ठीक है। और हमने देखा कि यहाँ पर सेटअप हो रखा था पहले से ही, देखो ये देखो पत्थर पड़े तीन और ये लकड़ी अकड़ी, तो ये बाकी ये देखो ये जो लकड़ी पड़ी ना इसको तोड़ लेंगे और लगाते हैं और बनाते हैं, इसमें आ जाएगी। गरम है क्या ही लग रही है,
तो भाई अभी मैगी वैगी खाई आप लोगों ने देखा, और सोहेल ने तो भुट्टा खा लिया था तो उसकी भूख मिट गई थी तो इसने नहीं खाई, ठीक है, और बाकी हमने खा लिया है। तो गाइस अभी हमने पूछा कि यहाँ से नारगढ़ कितनी दूर है, यहाँ से है ना अभी इस व्यू पॉइंट से लेकर के अभी 5 किलोमीटर है, और अगर वहाँ तक के जाएंगे तो टाइम भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, और उसकी कोई दिक्कत नहीं टाइम की, लेकिन यहाँ से वापस आने में 9-10 बज जाएंगे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मतलब ये है, पहले तो यहाँ तक के आने में टाइम लग गया, फिर इससे आगे जाएंगे वहाँ से इधर इधर तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। रात में क्या जानवरों का डर रहता है इधर, अब क्या पता कौन सा जानवर आ जाए कहाँ से यार, इस मारे खुद की भी सेफ्टी करो और साथ में जिसको लाए उसकी भी सेफ्टी, इसलिए तो हम लोग यहाँ से अब निकल रहे हैं, और जो करना था मैगी वैगी बढ़िया बनाई खाई और मज़े लिए और बढ़िया व्यू दिखाया आप लोगों, इसलिए हम लोग सोच रहे हैं निकलते हैं और फटाफट से घर पहुँचते हैं क्योंकि अभी घर जाने में भी टाइम लग जाएगा। ये देख सकते हो अंग्रेज भाई आए इतने बड़े बाल, इनके नकली नकली बाल लगा लिए इनने, गोप्रो से शूट कर रहा है। अबे क्या है ये GoPro वो नहीं, ये बाल देख इसके। चलो यार हम लोग निकलते हैं। आई होप गाइस आप लोगों को व्लॉग पसंद आया, और व्लॉग पसंद आया तो लाइक करें शेयर करें, और मिलेंगे इसी के साथ एक और नए व्लॉग में जल्दी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ गाइस।